और उधर देखिए मुस्कुराओ भाई तुम्हारे पिता आइए बेटा आ जाओ। हाँ घूमने आए मुंबई। अच्छा अच्छा खाला कुछ फ्रेश पूछना है फ्रेश पूछ लो। रोलिंग क्या कहना चाहेंगे एक्चुअली? अरे जो बोला बोल दिया अभी रिपीट करो कुछ नया पूछो ना क्या के? अच्छा क्या खास लगा इसमें? अलग क्या लगा? सर पहले तो एक बड़ी खुशी की बात है कि एक 15 साल कितना साल 16 साल दिखते 14 साल के लेकिन है 16 साल के हमारे देव और देव को इज प्रॉबली द फर्स्ट टाइम 16 ईयर ओल्ड का एग्जिबिशन हो रहा है और वो भी जहांगीर आर्ट गैलरी में। बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर्स बहुत सारे आर्टिस्ट हमेशा अपने हिंदुस्तान में अगर कहीं पे भी एक एग्जिबिशन करना चाहते हैं तो अगर जहांगीर में जगह या टाइम मिल गई या यू आर ऑनर्ड बाई बींग गिवन अ स्पेस इन जहांगीर आर्ट गैलरी आई थिंक इट्स प्रॉबली द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ योर आर्टिस्ट्री। पहले तो पहले आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट देव फॉर हिज पिक्चर्स एंड हिज पेंटिंग्स टू बी वर्थी ऑफ बीइंग इन जहांगीर आर्ट गैलरी। बहुत बड़ी बात है सर। दूसरी बात कि मैं देव मेरे घर पे आया था, वो अपना जो बुक रिलीज किया मुझे दिखाया तो इस दीवार पे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं मैंने पहले देखे और बार बार देखे इनके सामने मैंने ये पूरी बुक देखो तीन बार मैंने देखी और हर एक फोटोग्राफ पे हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, हमने 50-100 सवाल पूछे। जो 15 मिनट का जो मीटिंग था वो फोटोग्राफ्स देखने के बाद मैंने 3 घंटे लगाए कम से कम हमें राइट 3 घंटे लगाए इस डिस्कशन करने के लिए कि इस बच्चे के दिमाग में चलता क्या है और सोचता क्या है। और ये मैं अभी ये उसको बच्चा नहीं कहूँगा, इसको यही कहूँगा कि ये करते रहे और keep making us proud because ye, I feel it's a very important day today. Youngsters get an, मैं जब छोटा था 16 साल का था तो कैमरा पहले हिंदुस्तान में मिलते थे ही नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल्स के पास रहते थे और जो भी वो पॉकेट कैमरा जो रहते थे इंस्टामैटिक कहते थे, कोडैक बना के रखते थे इंस्टामैटिक, वो एक बल्ब फट करके फूट जाता था वो बल्ब फेंक देना पड़ता था, सो इट वॉज अ रिच मैनस हॉबी। आज डिजिटल ईरा में मैंने कह रहा हूँ कि इट बिकम्स ईजियर लेकिन पीपल लाइक देव आर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द इक्विपमेंट दैट इज़ अवेलेबल सो ओपनली। पहले सब ब्लैक मार्केट में मिलता था इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट मिलता है, उसके अलावा यू हैव टू बिकम वर्दी। आसान नहीं है यहाँ पे आने के लिए, बहुत मुश्किल काम है। आज तक मैंने एक भी एग्जीबिशन नहीं किया मेरे फोटोग्राफ्स का, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक हैंड शेक दे दे सबके सामने यार, बड़ी बात है। पर्सनली आपको फोटोग्राफी का कितना शौक था? मैं जब छोटा था तब से ही फोटोग्राफी में, मैं एक मेरे फादर का एक व्यू फाइंडर था और मैं व्यू फाइंडर लेके घूमते रहता था पूरी जगह और मैं जुबान से क्लिक का आवाज़ बनाता था ऐसे करके,
तो मैं बचपन से ही विदाउट प्रिंटिंग द फोटोग्राफ्स एंड मेकिंग द फोटोग्राफ्स मैं फोटोग्राफी करते आ रहा हूँ। फिर 32 साल की उम्र में मैंने मेरी पहला कैमरा का खरीदी किया मैंने। इट वॉज अ पेंटैक्स K1000, वेरी बेसिक कैमरा एंड द चीपेस्ट कैमरा इन द मार्केट एट दैट टाइम, बट अ वंडरफुल कैमरा। और उसी कैमरे के साथ मैं जब फोटोग्राफी करने जाता था तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखता था मेरे करीब में, और इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट के साथ, मैं प्रोफेशनल्स के साथ ही घूमता था, लेकिन इतने अच्छे कैमरा देखता था। और मैं सोचता था कि यार मेरे हाथ में एक आ जाए ना तो मैं दुनिया को दिखा दूँ, लेकिन वो गलत विचार है। वो फोटोग्राफर सोचता है कि वो जो जर्मनी में वो फोटोग्राफर, उसके हाथ में इतना लंबा लेंस है, वो मेरे हाथ में आ जाए मैं दुनिया को दिखा दूँ। यू हैव टू मेक गुड एंड मेक बेस्ट विद व्हाट यू हैव, यू नो, यू कैनॉट से कि मेरे पास अगर ये होता था तो मैं ये कर सकता हूँ। वट एवर यू हैव इन योर वेदर इज अवेलेबल टू यू, यू हैव टू यूज टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, स्क्वीज इट एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। सो आई डिड नॉट लूज होप, आई यूज्ड टू कीप टेकिंग फोटोग्राफ्स विद दैट लिटिल डिंकी कैमरा। एंड वन फाइन डे वन स्पॉट्स फोटोग्राफर वॉज लुकिंग एट मी एंड आई एम एमिंग, ही जस्ट नज मी लाइक दैट, ओके, ही नज मी लाइक दैट एंड ही टुक, सो गिव मी योर कैमरा, ही टुक माई कैमरा, ही टुक आउट माई लेंस, अच्छा अनक्लिप किया और मेरे हाथ में दिया, और उनका एक बड़ा लेंस क्लिप करके शूट सम पिक्चर्स। एंड समटाइम्स ऑल यू नीड इज इनकरेजमेंट, इवन इफ यू डोंट हैव द इक्विपमेंट एंड यू हैव द इनकरेजमेंट यू विल टेक गुड पिक्चर्स। डैडी ने, मेरे डैडी ने बताया उनके बारे में, और फिर उनका एक मोटिवेशनल वीडियो देखा था, मतलब कैसे वेफर सेल करके एक बड़े सुपरस्टार बन गए। फिर बहुत मेरे को इंस्पिरेशन लगा, तो फिर मैं उनको मिलने गया और बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। कोई बात है जो आपसे शेयर कर सकते हैं, बॉमन सर ने आपको बताया? उन्होंने मेरे को बोला कि लाइक द बॉय हैज एन आई, और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सुन के, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोली फोटोग्राफी के बारे में। अरे डॉन 3 के बारे में क्या बात है, ये डॉन 10 है, डॉन 10, डॉन 3 की क्या बात है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ये भी बना था ना देव, आई लाइक दिस वन ऑल्सो, राइट? I but I said I like this. This, what is this? Happy Valley. Bol. Bol. Mane yaad na thi. Mohammad na thi aaye. Aap. Aap apan saath. Sir, ek photo. Aap aaje. Aaje. Oh. Okay. Yeah, yeah. He's outside. He's. एविएशन बालकुमार, एविएशन बालकुमार, यस यू हैव मेंशन ही इज आउटसाइड, आउटसाइड बस बात करके कम कम कर रहे हैं, यू मेट दिस जया दिया जो भाई नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट सर टाइम ले जाओ, आलू चलो जल्दी फटाफट टाइम है। Yes, sir. No, sir. They've come for a picture with Masi. Stop it. Thank you.
बोलो रे आपको भी कूड़ा ये टेस्ट करेगा and we also